हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे साइंस पोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे रिलेटेड हैं डिजीज से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। इंसेक्ट डेट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर टू एज। सही है, वो इंसेक्ट जो ह्यूमन में बीमारियां ट्रांसमिट करते हैं उनको क्या कहेंगे, उनको क्या कहते हैं, उनको वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? वेक्टर कहते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनाइन इज मेड फ्रॉम अ प्लांट एंड द प्लांट इज। सही है, देखिए हमारा जो एक मलेरिया है वो हमारा एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है। क्या है? एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है। और मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो हमारा वैक्सीन है वो हमारा क्या है? क्विनाइन है। और जो क्विनाइन है वो हमारा एक प्लांट से मिलता है। सही है, तो उस प्लांट का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सिंचोना प्लांट हो जाएगा। सही है, सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाइपरटेंशन इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है हाइपरटेंशन टर्म किससे रिलेटेड है। ठीक है, देखिए हाइपर का मीन्स हमें पता होता है क्या होता है, हाइपर मतलब इंक्रीज और टेंशन मतलब होता है प्रेशर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, जो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर को क्या कहेंगे हम? हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर है, एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज नोन एज। सही है, जो एक्यूट लेड पॉइजनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? प्लम्बिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लम्बिज्म कहते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सही है, नेक्स्ट है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर। सही है, जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होती है हमारी वो किसके लिए रिकमेंडेड करी गई है? तो किसके लिए करी गई है? कॉलरा के लिए करी गई है। अब देखिए जो हमारा कॉलरा है वो हमारा क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और किस बैक्टीरिया से ये होता है? उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रोकोमा। क्या हो जाएगा? उस बैक्टीरिया का नाम है जिससे ये बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। सही है, इनमें से कौन सा वो डिजीज़ है जो कि प्रोटोजोआ से होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी इसका हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया हमारे क्या है? प्रोटोजोआ डिजीज़ है। देखिए अदर देख लेते हैं, कॉलरा ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एक बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाएंगे। ठीक है, हम देखिए मलेरिया से एक रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए मलेरिया हमारा किससे होता है? एक फीमेल मॉस्किटो से होता है। सही है, किससे होता है? फीमेल मॉस्किटो से होता है। और उस मॉस्किटो का नाम होता है फीमेल एनिफली। क्या होता है? एनिफ्लीज होता है। ठीक है, एनिफ्लीज होता है, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वॉज प्रिपेयर्ड बाय। सही है, जो सबसे पहला वैक्सीन है किसके? पोलियो के अगेंस्ट। तो किसने डिस्कवर करा था उसको? उसको डिस्कवर करा था जॉनस ई साल्क ने डिस्कवर करा था। किसने करा था? जॉनस ई साल्क ने डिस्कस करा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, Which of the following disease is associated with vitamin C deficiency? तो वो मतलब क्या हो जाएगा? विटामिन सी की डिफिशेंसी से क्या हो जाती है? इसका क्या हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? स्कर्वी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, मिनीमाता डिजीज वॉज कॉज्ड बाय। सही है, जो मिनीमाता एक डिजीज़ होती है वो हमारे किससे होती है? मरकरी से होती है। किससे हो जाती है? मरकरी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय। जो हमारा टाइफॉइड है वो किस से होता है? देखिए टाइफॉइड हमारे क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और जो उस बैक्टीरिया से होती है उसका नाम क्या हो जाएगा? सालमोनी टाइफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सालमोनिया टाइफी हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट है, इफ़ द लेंस इन आई बिकम ओपेक द डिजीज कॉल्ड। सही है, अगर जो हमारे लेंस आँख में जो लेंस है वो ओपेक बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? धुंधले हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसको क्या कहते हैं? कैटरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरेक्ट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मलेरिया इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। सही है, किस
ये जो हमारा मलेरिया है वो किस हमारे बॉडी में किस ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, किससे होता है। अभी मैंने बताया है आपको कैसे होता है, प्रोटोजोवा। क्यों मलेरिया हमारा क्या है, क्योंकि मलेरिया हमारा एक प्रोटोजोवा डिजीज़ है, ठीक है। और किससे होता है, हमारा फीमेल एनिफिलीज नामक मॉस्किटो से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजेस मलेरिया। देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन क्या कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, प्रोटोजोवा। सही है, प्रोटोजोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है, BCG इम्यूनाइजेशन इज फॉर, जो हमारे देखिए BCG स्टैंड करता है बैसिली कैल्मिटी ग्यूरिन। सही है, इसका फुल फॉर्म होता है क्या होता है, बैसिली कैल्मिटी ग्यूरिन, इसका हमारा क्या होता है फुल फॉर्म होता है। और ये किसके ट्रीटमेंट में होता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए इसका ट्रीटमेंट होता है। सही है, वैक्सीन होती है। सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ट्यूबरक्लोसिस हमारी क्या है, अगेन एक हमारे बैक्टीरियल डिजीज़ है, और किस बैक्टीरिया से हमारे कॉज होती है, उस बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा माइको बैक्टीरिया। सही, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, ठीक है। और ये BCG का जो टीका होता है बच्चों में 6 महीने से पहले तक लगाया जाता है, 6 महीने तक लगाया जाता है, ठीक है, बच्चों में 6 महीने में लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरस। सही है, इनमें से कौन सा वो डिजीज़ है जो वायरस से नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा। क्योंकि कॉलरा हमारा अभी तक क्या है, अभी हमने पढ़ा है क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। और देखिए